लाला, क्या हाल है? ठीक है यारा, गाड़ी तैयार है, बस निकलते हैं। ठीक है लाला। लाला, खाना वाना खाया है? हाँ, पेट भर के। अब सिवाय मंजूर शुदा रेस्ट एरियाज के वजूर कहीं रुकना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। लाला, अपना छोटू कैसा है? वो भी हमारी तरह कैप्टन बनने के लिए तैयार है? नहीं यारा, वो तो अफरीदी की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है, बहुत अच्छा बैटिंग करता है। अगले हफ्ते उसका मैच भी है, अभी उसके लिए बल्ला भी लेना है। आज चुप चुप क्यों? ओ यार, रातनी नहीं आ रही थी, बस फोन पे लगा रहा। मगर क्यों लाला? शैल ने बताया है ना, ड्यूटी से पहले कम से कम 8 घंटे सही से नींद करनी है अच्छे सफर के लिए। यार, रात एक वीडियो देखने के बजाय 4 वीडियो देख लिए, और फिर मेरा घर शैल की तरह आरामगाह तो नहीं है, बिजली भी नहीं था, लेकिन अभी सुकून है, गाड़ी भी ठंडा है, रास्ता भी सीधा है। अभी तुम टेंशन मत लो। हाँ, से हूं तो रहा हूं, गाड़ी रोक कर सो भी सकता हूं, या फिर इसको गाड़ी दे दूं। नहीं नहीं, अभी मंजिल करीब है, और मेरा साथी क्या सोचेगा? बरसाल से गाड़ी चला रहा हूं, आज थोड़ी ना ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, लाला तुम ठीक है? क्या हुआ लाला, नींद की झपकी आ गई थी क्या? लगता है ऐसे ही है, 2-4 सेकंड तो कुछ पता ही नहीं चला है। मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था, तो अल्लाह का करम है टाइम पर रुक गया। अभी तुम आ जाओ, शाबाश। इतने सालों से ड्राइवरी कर रहा हूं, ट्रेनिंग में माइक्रोसिलिप कार बार सुना था, लेकिन आज पता चला कि बला कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हमको कुछ हो जाता तो हमारा बीवी बच्चों का क्या होता? ये 2 से 3 सेकंड हमारा और हमारे अपनों का जिंदगी बर्बाद कर देता। बाबा, आप घर कब आओगे? मम्मा ने आपका पसंदीदा लोबिया गोश्त बनाया है, हम खाना साथ खाएंगे ना? इंशाल्लाह छोटे, थोड़ी देर में साथ खाएंगे। पासबान की पहली जिम्मेदारी है हिफाजत, जिसके लिए नींद पूरी करना भी अहम है। शैल पासबान घर आने के लिए आराम भी एक जरूरी काम है।